अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सब दोस्तों का ठीक है? तबीब जनरल से शिबाल बोल रहा हूँ। लो जी जनाब, आज जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो जिगर के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। जिगर जैसा कि एक वाइटल ऑर्गन है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका जिगर ख़राब हो गया, काला जरकान हो गया है, जिगर खून नहीं पैदा करता, जिस्म में भुस बन गया है, भूख नहीं लगती, जिगर की जगह पर सूजन और दर्द रहता है, इससे रिलेटेड कब्ज़ शब्ज़ हो जाती है, या मैदे में प्रॉब्लम बन जाता है तब खीर बनती हो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पाँव जलते हों, या जिस्म में हीट निकलती हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो, वज़न बढ़ रहा हो, मैदे से मतलब भूख ना लगती हो, इस कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम हो, तो आपने जनाब ये दो मेडिसिन ले लेनी है और जैसे मैं कहता हूँ वैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है अरग कासनी, ये 220-240 ml में है, समरकंद लेबॉरेटरी फैसलाबाद का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा अरक है। और दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है मजून दुबीद अलवरद, ये 100 ग्राम की है, कर्शी कंपनी की है, ये आपने ले लेनी है। करना आपने ये है कि हाफ चम्मच सुबह खानी है मजून पानी के साथ खाना खा के, और 4 चम्मच अरक पी लेना है ऊपर से, और सेम इसी तरह रात को हाफ चम्मच मजून खा लेनी है और 4 चम्मच अरक पी लेना है। सुबह शाम आपने ये दवाई खानी है, और साथ में आपने गर्म चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी, चाहे अंडे, अचार, गोश्त, समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ, जंक फूड और बेकरी की चीज़ें ये नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, और सादा गज़ाएँ खाएं, सब्जियाँ खाएं, फ्रूट खाएं और वॉक करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में आपको बेहतरी महसूस होगी, आपके पेशाब का रंग भी बदल जाएगा, साफ़ हो जाएगा पेशाब, जलन भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको ये सेम कंपनी की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और कंपनी में मजून दुबीद अलवरद और अरग कासनी परचेज कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी इस मेडिसिन के बारे में बताएं जनाब, सदका जारिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई जजाकल्ला।